हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फोन पे एप्लीकेशन में अकाउंट रिलेटेड इशू का ये जो प्रॉब्लम आता है इसे कैसे फिक्स करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे फोन पे एप्लीकेशन में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। यहाँ पर मैंने UPI ID पर क्लिक किया एंड यहाँ पर हम बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं किसी को पैसा भेजना चाह रहा था। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 1 रुपये सेंड करके। यहाँ पर हम अपना UPI पिन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे पैसा जो है वह सेंड नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अकाउंट रिलेटेड इशू का यह प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी यह प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे कैसे फिक्स करेंगे आज मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है मैंने पहले भी देखा है एंड आज भी यह प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा है। तो इसे जो है कैसे फिक्स करना है, ब्रांच जाकर फिक्स करेंगे या जो है ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा एंड किस रीजन से यह प्रॉब्लम आता है आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा एंड किस टाइप से जो है यह प्रॉब्लम मैं सोल्व करूंगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब यह प्रॉब्लम आया था पहली बार मेरे फोन पे एप्लीकेशन में तो मैंने सर्च किया तो काफ़ी लोग यहाँ पर यूट्यूब पर बता रहे थे कि आपको यह सेटिंग करना है, मोबाइल का रिस्टार्ट करना है या स्टोरेज क्लियर करना है, अपडेट करना है फ़ोन पे एप्लीकेशन को। तो आपको बता दें कि आपको यह सभी फालतू सेटिंग नहीं करना है, इन सभी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। सो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये प्रॉब्लम आ रहा है वह आपके बैंक अकाउंट में है तो आपके मोबाइल से का कोई भी कनेक्शन इसमें नहीं है तो कोई भी सेटिंग वगैरह आपको नहीं करना है। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किस रीजन से आता है। ज़्यादातर दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होता है वह आपके अकाउंट में कोई भी इशू रहता है टेक्निकल एरर की वजह से जो है यह प्रॉब्लम आता है, टेक्निकल इशू रहता है। और टेक्निकल इशू जब रहता है तो वह ऑटोमेटिक 24 से 48 घंटे के अंदर वह सोल्व हो जाता है। यानी कि आपका यह प्रॉब्लम अगर आपके अकाउंट में आता है, UPI पेमेंट नहीं हो रहा है तो 24 से 48 घंटे आपको वेट करना है, इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक पैसा ट्रांसफ़र होने लगेगा, UPI पेमेंट आप कर पाएंगे। पहले भी जो है प्रॉब्लम ये आया था तो मेरा ऑटोमेटिक सोल्व हो गया। अगर ऑटोमेटिक सोल्व नहीं होता है तो हो सकता है आपका जो बैंक अकाउंट हो फ्रीज कर दिया गया हो या तो जो है आपका उम्र कम हो तो जो है यहाँ पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। अगर आपका उम्र कम भी रहता है किसी का तो यहाँ पर जो UPI पेमेंट है कई बार रोक दिया जाता है, जिसके लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। एंड कई बार आपका जो बैंक अकाउंट है छोटा है तो उससे बड़ा करने के लिए भी यहाँ पर पैन कार्ड मांगा जाता है। तो इस टाइप के अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। तो मैंने अब जो प्रॉब्लम है कैसे फिक्स किया जो आज मेरे फ़ोन पे एप्लीकेशन में आया है जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड ऑटोमेटिक सोल्व नहीं होता है तो मैं अपने ब्रांच जाऊंगा क्योंकि ब्रांच में ही यह प्रॉब्लम सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल को रिस्टार्ट वगैरह करने से कोई भी सेटिंग करने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाला है। तो मैं कैसे इसे सोल्व करूँगा मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, जिससे सेम जो है आप भी फॉलो करके आप भी अपना यह प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। दोस्तों, यहां पर मेरा जो प्रॉब्लम था वह सोल्व हो चुका है एंड यहां पर मैं फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करके आपको दिखा देता हूं लाइव प्रूफ। यहां पर मैं UPI ID पर क्लिक करता हूं एंड यहां पर मैंने जिस बैंक अकाउंट में पैसा सेंड किया था, इससे पहले जो है मैं आपको हिस्ट्री कल वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पर कल जो है मैंने यहाँ पर कई बार ट्राई किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पैसा सेंड करना चाहा लेकिन नहीं हुआ था, जो कि प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पर मेरा जो प्रॉब्लम है फिक्स तो हो चुका है तो अभी जो है मैं आपको उसी अकाउंट में पैसा सेंड करके दिखाऊंगा। एंड दोस्तों, ये जो मेरा प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सोल्व हुआ, जो कि मैंने आपको बताया था 24 से 48 घंटे में टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉब्लम आता है। एंड यहाँ पर मैं फिर से जो है पैसा इसी बैंक अकाउंट में सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपये जो कि मैंने कल सेंड किया था यहाँ पर फेल बता रहा है। एंड यहाँ पर मैं फिर से 1 रुपये सेंड करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना UPI पिन इंटर करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, पैसा यहाँ पर सेंड हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं पैसा यहाँ पर सेंड हो चुका है। सो दोस्तों, ये जो मेरा प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक सोल्व हुआ, 24 घंटे के अंदर जो है ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है अगर टेक्निकल इशू रहता है।
लेकिन अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है आपका ब्रांच जो है, आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया हो। तो मेरे केस में जो ऑटोमेटिक सोल्व हो गया, इसीलिए जो मैं यहाँ पर ब्रांच नहीं गया। तो अगर आपका भी ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। और बाकी आपको मोबाइल में कोई सेटिंग वगैरह नहीं करना है, इससे यह प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। 24 से 48 घंटे में ऑटोमेटिक सोल्व हो जाता है। अगर ऑटोमेटिक सोल्व नहीं होता है तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।